इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थ नगर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें जिग्नेहवा से चेतिया मार्ग खराब होने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें बड़ी खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिग्नेहवा से चेतिया मार्ग खराब होने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन को देखकर सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों की पुलिस यहां पर लगाई गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, एक नहीं कई थानों की पुलिस यहां पर मौजूद है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों ने स्कूल बस सहित एसडीएम बांसी की गाड़ी व पीडब्ल्यूडी विभाग की गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया है। ये बड़ी खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां आपको बताना चाहेंगे अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत व अपर जिलाधिकारी उमेश शंकर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा भी लिया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों ने स्कूल बस सहित एसडीएम बांसी की गाड़ी व पीडब्ल्यूडी विभाग की गाड़ी का शीशा तोड़ा है। आपको बताना चाहेंगे स्थानीय लोगों के प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये पूरा मामला सिद्धार्थ नगर का है, जहां जिग्नेहवा से चेतिया मार्ग खराब होने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम पूरा ना होने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। जनपद सिद्धार्थ नगर का थाना गोलौरा है, जहां पर जिग्नेहवा से चेतिया की तरफ एक सड़क मार्ग जाता है। वो पहले काफ़ी अच्छा बना था, अभी इधर विगत दिनों वो टूट गया है, उसको कई जगह पे गलखराव है। उसको लेकर के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी रोड जाम की, जिसके दृष्टिगत वहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी और एसडीएम वासी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और उनके द्वारा जो है लोगों को समझाया बुझाया गया। सभी लोग वापस चले गए थे। उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्व आकर के और अकस्मात उनके द्वारा पथराव किया गया, जिससे दो तीन गाड़ियों को कुछ क्षतिग्रस्त किया है और दो तीन हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, तो उनको वहाँ पर हटा दिया गया है सभी को और लगभग एक से डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई की। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जो पुलिस बल थी इसने बॉडी वॉर्न कैमरा भी पहन रखा था और हमारा जो थाने का मीडिया सेल था उसने लगातार रिकॉर्डिंग किया है। सभी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं। दो वाहन है जिसमें हल्का सा शीशा टूटा है और क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत गलत है। जब सर्वोच्च अधिकारी मौके पर मौजूद थे, सभी लोग सुनवाई कर रहे थे, उसके बाद वाहनों को क्षतिग्रस्त करना, आने जाने वालों को भयाक्रांत करना, ये गलत है और उसको बहुत संज्ञान में लिया गया है, उसमें कार्रवाई की। भाई जिग्नेहवा चेतिया मार्ग है तो थोड़ा ख़राब है, जिसका सर्वे पूरा हो गया है और बरसात बाद इस पर निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी को खराब की स्थिति, रोड की खराब स्थिति होने के कारण कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किए थे, जिनको हटा दिया गया है और यही साहब भी यहाँ पे हैं और तत्काल इसका जो है उनके द्वारा जो ज्ञापन ले लिया गया है, उस पर निर्माण शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है उनका, जो है रास्ता बहुत ख़राब है, कई बार जो है एम्बुलेंस कहीं फंस जाता है, लेकिन उसमें तत्काल काम शुरू हो जाएगा। तो आज पुलिस ने उनको कुछ लोगों को दौड़ाकर बंद निरुद्ध किया है, पकड़ी है, तो क्या उन पर कुछ ऐसे गंभीर धाराएं भी लगाई? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब क्योंकि रोड जाम हो जाता है तो आम एक समस्या ज़्यादा हो जाती है, आम लोगों की समस्या होती है, तो इसी के देखते उनको हटा दिया गया था और ऐसा कोई इशू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है।